विकासखंड खड्डा अंतर्गत ग्राम सोनबरसा में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में ध्वजारोहण के बाद ग्राम प्रधान वशिष्ठ मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। ग्राम प्रधान के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए ग्राम के निराश्रित विधवा असहाय महिला पुरुषों को ग्राम प्रधान द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम किया जाता रहा है। इस बार भी कपकपीला देने वाली ठंड को देखकर कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कंबल वितरण किया गया तथा 5 वर्ष के कार्यकाल में साथ रहे कर्मठी सदस्यों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। ग्राम प्रधान ने बताया कि हमारे कार्यकाल में ग्राम की जनता से लेकर हमारे कर्मठी सदस्यों ने हमारा भरपूर साथ दिया है तथा हमारे कार्यकाल को सफल बनाया है। थोड़ा सा और मौका मिला होता तो हमें इन लोगों की सेवा करने का और भी सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ होता। कंबल वितरण कार्यक्रम में बाधू चौहान, बलवंत चौहान, हृदय नारायण गोंड, मुन्ना भारती, मुनिप चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता लाल बहादुर, राजेश प्रसाद, अनिरुद्ध भारती, आदित्य कुमार के साथ ग्राम के महिला पुरुष उपस्थित रहे। हर वर्ष की बात अब गणतंत्र दिवस पर कंबल वितरण कार्यक्रम करते हैं तो इसमें आपका ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश है? अब अपने पास से हम जितना स्नेह श्रद्धा से अपने गाँव के लोगों को, कमजोर वर्गों को, विधवा को, विकलांग को, जो लोग निरीह प्राणी हैं उनको जो है हम कंबल वितरण करते हैं। चूँकि ठंडक का मौसम है, एक तरह से जो है उनका सहयोग करते हैं। तो क्या ये किसी कोष से करते हैं या अपने? नहीं, हम अपने पास से करते हैं। कब से करते आ रहे हैं ये? जब तक हम इस शासन में आए हैं, प्रधान जब से हुए हैं, तब से हम हर वर्ष हर समय करते हैं। फिर इसके आगे की क्या व्यवस्था है आपकी? आएंगे तो करेंगे, फिर आएंगे ये तो करेंगे, नहीं तो जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से करेंगे। लोगों को, अपने ग्रामवासियों को जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, भरसक हम प्रयत्न करते हैं कि सबको मिल जाए और देते भी हैं करीब करीब सबको। तो जिन लोगों को वितरण किया गया है क्या वो निराश्रित विधवा? हाँ, विधवा हैं, निराश्रित हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कुछ विकलांग भी लोग हैं। लोग को सम्मानित किया गया है तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सब बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं आप प्रधान जी को। बहुत 5 साल कार्यकाल में इन्होंने सबको सम्मान दिया है और सम्मानित किया है और चलते समय भी अपना जो है सबको सम्मान देकर और बधाई उन्होंने दिया है। तो इनका 5 साल का जो कार्यकाल था वो अभी समाप्त हो गया है जी। इनके कार्यकाल में क्या कोई त्रुटि या किसी प्रकार का विकास न हुआ हो? नहीं, सब विकास तो हुआ है। इनके कार्यकाल में बहुत से कुछ ऐसे काम थे कि आज तक नहीं हुआ था, उस काम को इन्होंने करवाया है और काम हो गया है। विकास कार्य कैसा रहा इनका? विकास कार्य तो बढ़िया रहा। सड़क नाली जो एक मान लीजिए सड़क तो गांव में पहले से पक्की बनी थी, जो बाकी थी उन्होंने खड़ंजा करवा दिया। और नाली वाली मान लीजिए कुछ नया नाली निर्माण हुआ, नाली बना, कुछ सराहनी मान लीजिए कि टूटी फूटी थी हुआ, फिर उसके बाद शौचालय 162 शौचालय इन्होंने बनवाया। लगभग सब चालू है, सबका सही है, ठीक है, चल रहा है। इस कार्यकाल में मतलब इतना शौचालय बना है और सामुदायिक शौचालय इन्होंने भी बनवा दिया। और क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो मान लीजिए इनके कार्यकाल में 22 आवास आया, वो भी सबको दे दिए। और शौचालय बना, नाली बना, अम्बेडकर पार्क इंटरलॉकिंग हुआ, कुछ खड़ंजा हुआ, मानो एक सब विकास का काम मान लीजिए हुआ है। क्या नाम है आपका? हृदय नारायण गौर। किस पद पे हैं इस ग्राम प्रधान? सदस्य वार्ड नंबर 9।